नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है सिंगलपुर कटिहार बिहार से अभ्यर्थी, जिनका 1.5 साल पूर्व पटना में ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद से इनके मुख्य रूप से सुनने में कमी और चक्कर इत्यादि की तकलीफ है। अब हम अभ्यर्थी जी से बात करना चाहेंगे, उनसे व्यक्तिगत रूप से जानना चाहेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका नाम बताइए मेरा नाम MDR राहुल हक है जी। और 1.5 साल पूर्व मेरा जो है पटना में टिम्पेनोप्लास्टिक सर्जरी हुआ था। जी सर्जरी के 3 घंटा बाद मेरे कान में जो चक्कर आने लगा, कान भारी रहने लगा जी और हल्का हल्का दर्द रहने लगा, जी सुनाई स्पष्ट नहीं था। जी और इसी तरह से 1.5 साल तक हम झेलते रहे जी और अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में जी इसका ऑपरेशन के लिए आए हुए हैं जयपुर में। आपने विभिन्न चिकित्सकों से राय लिया, पटना के लगभग अधिकतम सभी चिकित्सकों के पास भी गए और देश के अन्य अस्पतालों पर भी गए। आपने यहाँ पे हमारी जांच प्रणाली को देखा, हमने पूर्ण रूप से 36 घंटों तक गहन अध्ययन करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि आपकी क्या तकलीफ हो सकती है और उस दिशा में यहाँ प्रयास किया जाएगा। ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा किया जाएगा और आपकी जो मुख्य तकलीफ है, चक्कर आना और सुनने में कमी, इसके लिए जो भी प्रोसीजर है वो किया जाएगा, आपको अधिकतम लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले शून्य करने की प्रक्रिया होगी, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। और अशोक बेस्ट हेल्थ केयर की व्यवस्थाओं और इलाज प्रणाली से आप संतुष्ट हैं? जी मैं संतुष्ट हूँ। जी, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। अर्जुन जी, आपका ये दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन हो गया है, जो आपकी तकलीफ थी उसके लिए निराकरण किया गया है। अब आपको चक्कर की तकलीफ में कितना आराम है? ये लगभग 60% आराम है। 60% आराम है। अब जो बेचैनी चक्कर बना रहता था उसमें आप आंखें खोलिए, बंद करके देखिए, आपको उसमें कितना आराम है आप स्वयं महसूस करें। ठीक है, अभी मैं आपको बिठा करके दोबारा से पूछूंगा तो आपको सही तरह से आकलन होगा। जब आपकी पोजीशन चेंज होगी ना, तब आप उसका ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, पर आपको बेटर लग रहा है पहले से? पहले से बेटर है। जी, ठीक है। अर्जुन जी, दूरबीन विधि द्वारा आपके मध्यकर्ण के अस्थियों का ऑपरेशन संपन्न हो गया है, जो तकलीफ थी उसे निराकरण कर दिया गया है। अब आपके जो 1.5 साल से जो तकलीफ चल रही थी उसके बारे में एक बार बताइए, आपको क्या तकलीफ थी जब आपका पटना में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में क्या तकलीफ रहती थी आपको? 1.5 साल पूर्व मैंने पटना में ये कान के जो हाँ टिम्पैनोप्लास्टिक हुआ था, जी प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद 3 घंटा बाद जो चक्कर आया, तो जी लगातार 1.5 साल तक चक्कर आते रहा। और मैंने पटना और पूर्णिया, नेपाल, ऐसे कई जगह हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया। जी डॉक्टरों जी से यही रिपोर्ट आया कि ये सर्जरी के बाद कुछ चक्कर आता है, जो वो लोग भटाई को क्या क्या नाम दिया, जी दवाई खाते रहे लेकिन वो चक्कर आज तक रिकवरी नहीं हुआ। जी तो उसी इलाज के सिलसिले में मैं जयपुर अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आया हुआ हूँ और जी मेरा ये मध्यकर्ण में जो तकलीफें थी जी उसका इलाज संपन्न हुआ। अभी 60% जो है हम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। जी ऑपरेशन के बाद में हम तुरंत बैठे हुए हैं और जो लगातार आपकी चक्कर की तकलीफ बनी रहती थी, अब उसमें आपको काफी आराम महसूस, राहत महसूस हो रही है। हाँ तो मुझे राहत महसूस हो रही है। आप देश के उन युवाओं को, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की तकलीफों से गुजर रहे हो? देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो इस तरह के तकलीफ से जो गुजर रहे हैं जी वो जयपुर अशोक वेस्ट हेल्थ केयर में आए जी और अपना बेहतर ट्रीटमेंट कराएं जी और स्वस्थ रहें। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।